प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 10 महीनों के दौरान किए गए प्रयासों की बदौलत वर्तमान में वल्क ड्रग पार्क से जुड़ी विकास परियोजनाएं जमीनी स्तर पर दिखने जा रही हैं। इसका साक्षी बाथू में निर्मित राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भवन बना, जहां पर सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में 1,35,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए वल्क ड्रग पार्क के कॉरपोरेट ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने दुलहड़ में 31.05 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले वल्क ड्रग के लिए 15 MLD की पेयजल योजना, 10.06 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली प्रशासनिक खंड बल्क ड्रग पार्क के लिए उठाऊ पेयजल योजना तथा 11.75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बल्क ड्रग पार्क की पेयजल के भूजल स्रोतों के पुनर्भरण हेतु परियोजना का शिलान्यास भी किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज बल्क ड्रग पार्क आकार ले रहा है और उसके कॉर्पोरेट ऑफिस का शिलान्यास हो रहा है और जो उसके कामकाज हैं उसको शुरू किया जा रहा है। बाकी तो इंडस्ट्री मिनिस्टर आए हैं, इसका डिटेल में ये आपको बताएंगे। भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क क्या कहें। नहीं, मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को और करौली चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आज का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो बल्क ड्रग पार्क है वो सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है। उसके हेड ऑफिस का आज विधिवत रूप से जो है उद्घाटन मुकेश जी द्वारा संयुक्त रूप से हम दोनों ने किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और हिमाचल सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने इसकी शुरुआत की है, 1923 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है ये, और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी और इसमें कोई 15,000 के करीब लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। इससे ना केवल हरोली जो चुनाव क्षेत्र है उसी की दिशा बदलेगी, बल्कि पूरे ऊना जिले को जो है इसका जो है वो लाभ होगा। ये हमारी कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि के रूप में मान कहते हैं, मगर मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहूँगा कि इस बल्क ड्रग पार्क का जो पैसा है वो हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आया है और केवल जो है चुनाव से पूर्व जो है इसको सिर्फ शिलान्यास जो है वो माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, मगर इसकी जो शुरुआत है, इसका पैसा है, इसकी जो रूपरेखा है और इसका जो वर्किंग प्लान है, ड्राइंग प्लान है, वो हमारी सरकार बनने के बाद जो है हमने किया है इसको। और ये जो बल्क ड्रग पार्क आया है ये कोई बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है, ये हमारी सरकार द्वारा बिडिंग के माध्यम से लिया गया था, क्योंकि बल्क ड्रग पार्क जो केंद्र सरकार की स्कीम थी और जिन भी प्रदेशों ने बिडिंग की है, मान लो जो कौन सा राज्य है जो सस्ती बिजली देगा, सस्ती ज़मीन देगा, सस्ती स्कीम देगा, उस आधार पर हमको बिडिंग के आधार पर हमारे को बल्क ड्रग पार्क मिला है। मुझे उम्मीद है आने वाले 2.5 से 3 सालों के अंदर अंदर जो है हम इसको जो है वो तैयार कर देंगे। हमने 32 करोड़ रुपए जो पीने के पानी के लिए है, 15 MLD अभी पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके हमने टेंडर कर दिए है, IPH को पैसा दे दिया है। हमें 15 MW की बिजली की जरूरत है, अभी पावर हाउस बनेंगे, हमने कोई 30-32 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिया है। यहाँ से रोड जो है 2-लेन रोड जो है वो बनेगी, लैंड की एक्विजिशन और लैंड को रोड को चौड़ा करने के लिए हमने जो है 42 करोड़ की जो है वो DPR बनी, हमने पैसा दे दिया और मुझे पूरा विश्वास है हम इस पर तेज़ी से काम करेंगे और मुकेश जी की जो दिशा निर्देश अनुसार जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे और टाइम फेज में हम इसको मुकम्मल करेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश के लिए ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।